इंटरनेट पर बेचने के लिए डाली गई कुछ ऐसी चीजें जो अगर एक बार बिक जाती तो लोग पूरी दुनिया ही बेच देते। नंबर 3, साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे ने न्यूजीलैंड कंट्री को ही ईबे पर बेचने के लिए डाल दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड को खरीदने के लिए ईबे पर लोगों की भीड़ लग गई और कुछ ही देर में बोली के दौरान न्यूजीलैंड की कीमत $3,000 तक पहुंची ही थी। किस समय रहते ही ईबे ने इसे पॉलिसी के खिलाफ बताते हुए अपनी वेबसाइट से हटा दिया। नंबर 2, न्यू मैक्सिको की रहने वाली लॉरी नामक ये महिला अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपनी आत्मा ही ईबे पर बेचने के लिए डाल दी और हैरानी की बात तो यह है कि लोगों ने उसकी भी बोली लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन ईबे ने इसे भी इल्लीगल बताते हुए अपनी वेबसाइट से हटा दिया। नंबर 1, साल 2003 में एक बंदे ने ईबे पर एक ऐसा कांच का जार बेचने के लिए डाल दिया जिसमें बेचने वाले के मुताबिक बताया गया था कि इस जार में एक भूत बंद है, जिसके बाद लोगों ने इस जार को खरीदने के लिए इसकी भी बोली लगाना शुरू कर दी जो कि $55,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन इस जार की बोली लगाने वाले ने इस जार के $55,000 पे नहीं किए।